हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं लेटेंट प्रोफाइल एनालिसिस के एक दो पेपर्स के बारे में। एक पेपर है ये, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर मोटिवेशन एंड सब्जेक्टिव वेलबींग, LPA, लेटेंट प्रोफाइल एनालिसिस। 2022 के अंदर पब्लिश है ये, जून में, फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी के अंदर। इस पेपर में इनका ऑथर्स का कहना है कि हमने एक तो लिया मोटिवेशन, एक सब्जेक्टिव वेलबींग, और दोनों को इन्होंने 5 पॉइंट या 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल के ऊपर लिया है। तो कैसे करेंगे? पहले तो एक रूल है कि जो भी कोई लिकर्ट स्केल के ऊपर है, आपको उसका मेजरमेंट मॉडल रिपोर्ट करना होगा कि उसकी कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वगैरह सारी ठीक है या नहीं। उसके बाद फिर आगे LPA लगाएंगे। तो इन्होंने शुरू किया, ये लिखा अपना इंट्रोडक्शन वगैरह, मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ कंज्यूमर मोटिवेशन ये एक्सप्लेन किया सारा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वेलबींग के साथ उसका रिलेशनशिप दिया। फिर इन्होंने कहा कि इसके 7 डायमेंशन हैं, वो डायमेंशन इन्होंने नोट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू फॉर मनी, क्वालिटी, सेफ्टी एक्सेट्रा, 7 पॉइंट स्केल पे लिए। और कंज्यूमर वेलबींग इन्होंने 7 पॉइंट स्केल में लिया है, एक पैनल से, ये पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट स्केल वगैरह ये भी यूज़ किए हैं। सबसे पहले इन्होंने कन्फर्मेटरी फैक्टरलिसिस यूज़ किया, तो रिपोर्ट किए होंगे वो टेबल 3 के अंदर, AVE, मॉडल फिटनेस वगैरह सारा दिया कि मॉडल इनका ठीक है, सारे कंस्ट्रक्ट्स आर ओके। फिर इन्होंने लिखा LPA के बारे में, ये कह रहे हैं सबसे पहले कि हमने उनका एवरेज स्कोर निकाला जिसको नॉर्मलाइज किया, ठीक है, आर स्टूडियो कर ही लेता है वो काम। फिर इन्होंने फिट इंडिसेज रन किए, AIC, BIC, सैम्पल साइज एडजस्टेड, BIC एक्सेट्रा, LMRT और ये सारे यूज किए। इनके बेस पे इन्होंने जो बेस्ट है वो निकाला, एंट्रोपी 0.8 से ज़्यादा होनी चाहिए जो भी आप सिलेक्ट करें। और एक बहुत अच्छा रेफरेंस है, कोई भी आप ऐसा क्लस्टर ना बनाएं जिसमें टोटल का 5% से भी कम हो। देखिए समझिए, अगर आप, आपके पास 200 का सैंपल है और उसका 5% आप निकालें तो 10 लोग हो गए। अब 10 लोग इतने कम हैं कि उसको एक लीगलाइज्ड या ऑथेंटिक आप सैंपल या क्लस्टर नहीं बोल सकते, बहुत कम है। थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए, 5% से कम ना हो इसमें। तो इन्होंने कहा कि हमने लगाया, ये टेबल 4 में दिया है। अच्छा, इन्होंने हर उसका नाम भी लिखा है। प्रोफाइल 1 का नाम इन्होंने दिया एपेथेटिक कस्टमर कंज्यूमर, प्रोफाइल 2 इन्होंने कहा हाई स्कोर वैल्यू फॉर मनी, 3 को ये बोल रहे हैं बैलेंस कंज्यूमर्स, और 4 को बोल रहे हैं एंथुजियास्टिक कंज्यूमर। फिर इन्होंने अनोवा भी यूज किया ये चेक करने के लिए कि जो क्लास आती है क्या हमारी ये 4 क्लास आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए सेम है डिफरेंट। तो पहले तो ये देखिए, इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स यूज किया, इसके अंदर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, हर एक का हर एक से कोरिलेशन ये यूज कर लिया। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी वैलिडिटी, हर कंस्ट्रक्ट के बारे में हम दे रहे हैं आइटम्स, उनकी लोडिंग, क्रॉनबैग अल्फा, CR और AVE सारे ओके हैं। इसके बाद इन्होंने कहा हमने यूज किया AIC, BIC, सैंपल साइज एडजस्टेड, BIC, एंट्रोपी एंड सो ऑन। अगर आपका BIC और SSA BIC हो तो SSA BIC को देखा जाता है, सैंपल साइज उससे बेहतर है। तो इसमें जो मिनिमम आ रहा है वो हमारा दिख रहा है यहाँ पे 17,800 के करीब, और यहाँ पे भी 17,800 के करीब दिखाई दे रहा है। एंट्रोपी 0.8 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये जो पी वैल्यू है लेस देन 0.05 विल बी बेटर। 5 जब आपने लिया तो यहाँ इसकी पी वैल्यू लेस देन 0.05 नहीं है, शायद इस बेस पे इन्होंने 4 ले लिए हैं यहाँ पे। हालांकि सैंपल SA BIC और ये दोनों तो इनका कम है, पर ऑन द बेसिस ऑफ LMR, LRT या वगैरह। और एक और भी पॉइंट है, जब आप 5 प्रोफाइल बनाते हैं यहाँ पे, तो हमारे एक ऐसा भी क्लस्टर है जिसमें सिर्फ 2% लोग हैं, तो दैट्स नॉट ओके। तो कई रीजन्स हैं, पी वैल्यू भी बता रहा है ठीक नहीं है, ये भी 5% से कम है। इस वजह से डिस्पाइट द फैक्ट कि इसका BIC और SA BIC काफी कम था, इन्होंने 4 क्लस्टर को लिया। 4 क्लस्टर लेके तो पहला, एक तो ये टेबल देते हैं फिट की, सेकेंड टेबल देते हैं उनके प्रोफाइल और मीन स्कोर क्या कह रहे हैं ये, और अनोवा लगा दिया, क्या चारों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आप चाहें तो इसके साथ ही आप पोस्ट हॉक भी लगा सकते हैं कि किस किस में डिफरेंस है, क्या डिफरेंसेज आ रहे हैं। ओके, ये उनका आ गया मीन। एक तो जिसको बोल रहे हैं एंथुजियास्टिक, हर एक में ऊपर है। सेकंड है बैलेंस, ये बिल्कुल ही 0 के ऊपर है। रैशनल कंज्यूमर कुछ चीजों पे ऐसे काम कर रहे हैं। और चौथा है एपेथेटिक, ये बिल्कुल ही लो स्कोर है, एक्सेप्ट 1-2 पॉइंट काफी लो स्कोर है। ये इन्होंने इसको नाम दिया, और इनके बारे में थ्योरेटिकल इंप्लीकेशन, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये दे दिए हैं बातें यहाँ पे। अच्छा, नीचे इन्होंने क्या दिया है, डिफरेंसेस इन द डेमोग्राफिक, सबके डेमोग्राफिक भी बता दिए, मेल फीमेल कितने, ये कितने, उन पे पी वैल्यू लगा दी, दैट्स ओके। और अनोवा के रिजल्ट दिए हैं इन्होंने, कहाँ कहाँ पे डिफरेंस आए, कहाँ नहीं आए, एंड सो।
ठीक है जी, ये डूएबल है, किया जा सकता है। एक और देखते हैं पेपर, लेटेंट प्रोफाइल को ये काम कर रहे हैं बैंक कस्टमर में, और इन्होंने इसका नाम ही चेंज कर दिया, लेटेंट कमिटमेंट प्रोफाइल एनालिसिस। एक्चुअली LPA है ये, पर इन्होंने इसको लेटेंट प्रोफाइल बना दिया। 2019 का पेपर है ये, और ये पेपर है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बैंक मार्केटिंग के अंदर। क्या क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि हम बेसिकली काम कर रहे हैं कंज्यूमर कमिटमेंट इनके ऊपर, ठीक है। ये कमिटमेंट के बारे में लिखा, एक अफेक्टिव कमिटमेंट है, फुली कमिटमेंट, ठीक है, अनकंडीशनल, कॉन्टिन्यूस कमिटमेंट है, इसके अंदर मॉडरेट लेवल वगैरह ये दे दिया, अफेक्टिव या नॉर्मेटिव ये है कमिटमेंट हमारे। इन्होंने कहा कि तीन तरह के जो कमिटमेंट है, अफेक्टिव, कॉन्टिन्यूस, नॉर्मेटिव एक्सेट्रा, तीन आइटम पे मेजर किए हैं। स्विचिंग इंटेंशन, एडवोकेसी, ये 7-पॉइंट स्केल पे मेजर किया। तो सबसे पहले इनका वही बीटा देंगे, फैक्टर लोडिंग देंगे, उसका CR, AVE वगैरह वो देना चाहिए इन्हें। अमोस यूज करते हैं मैक्सिमम ये, या बोल दें 2019 में करते थे, SPSS, अमोस्टो, सीमिन, GFI, AGFI, मॉडल फिट क्राइटेरिया वगैरह इन्होंने दे दिए हैं। फिर इन्होंने कहा हमने M+ यूज किया है, ओके। उसके अंदर ये बायसियन इन्फॉर्मेशन SABIC है, बूटस्ट्रैप लाइकलीहुड टेस्ट रेशियो एक्सेट्रा है, बेसिकली ये कोरिलेशन हो गया हर एक का हर एक से, AVE वगैरह दे दिया इन्होंने। आगे चलते हैं, पहली टेबल LPA में दी जाती है फिटनेस की, SABIC को चेक करें, 4, 8, 5, 6, आगे 6 पे बढ़ जाता है, तो ये सबसे कम है। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस लगी, एक है तो 428 का सैंपल, दो है तो ये दो में डिवाइड हो गया, तीन है, चार है, पांच है, तो आप देख रहे हैं एक 14 का भी सैंपल है, 14 का सैंपल आउट ऑफ 428, काफ़ी छोटा हो गया ये, 6 अगर बनाते हैं तो ये सीम्स ओके। फिर इन्होंने लिख भी दिया कि 6 क्लासेस का जैसे ही बढ़ता है ये हायर वैल्यू, इट इंडिकेट्स कि ये सबसे बेस्ट है 5 सॉल्यूशन। 5 सॉल्यूशन पे इन्होंने एक टेबल दी है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी की, दैट्स ओके। देखिए पोस्टीरियर ये होता है, आपको तो पता है कि हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 हैं और ये क्लासेस बनाई हैं। अगर मुझे पता है ये बंदा इस क्लास में है, ऐसा स्कोर है, कितने चांसेस हैं कि वो इस क्लास में आएगा, ये इसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, लुकिंग बैक। इवेंट पता है, अब हम पीछे देखते हैं, इसकी डायगोनल वैल्यू हाई आनी चाहिए। आर स्टूडियो देता है ये चीज़, कोई ऐसी बहुत इससे कोई इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन तो नहीं निकलती। ज़्यादातर पेपर्स में आपको फिट मिलता है एक, फिर एक मिलता है हमारा अनोवा और मीन स्कोर। ये मीन स्कोर है, कमिटमेंट का कितना मीन स्कोर, इसका इतना इन्होंने दिया, मीन एसोसिएटेड 5 क्लास मॉडल, और इन्होंने पोस्टॉक भी दे दिया यहाँ नीचे, किस किस में डिफरेंस है, किस में नहीं है। लाइक 1-3 में नहीं है, पर ये दोनों 2 से कम है, और ये दोनों 4 से, और वो 5 से कम है, ऐसे पढ़ा जाएगा इसे। तो ये भी एक तरीका है देने का। उसके बाद डिस्कशन आ गया, तो कुल मिला के अनोवा के बारे में इन्होंने लिख दिया। तो कुल मिला के 3 चीज़ दी जाएंगी, पहली फिटनेस की टेबल, ये बताता है कितनी क्लासेस बेस्ट है। नंबर 2, ये टेबल छोड़ सकते हैं, नंबर 2 पे हमारा आता है उनका मीन स्कोर है क्या, वो क्लस्टर क्या है, इट्स बेटर उनका नाम दीजिए। इन्होंने नाम दिया है अनकमिटेड, दूसरे का मॉडरेटली कमिटेड, CC डोमिनेंट, AC डोमिनेंट और फुल्ली कमिटेड। ये कैसे दिया इन्होंने, देखो जो CC डोमिनेंट है तो उसमें CC का स्कोर बाकियों से सबसे ज्यादा है इसमें। अच्छा, फुल्ली कमिटमेंट का तो खैर सब में ही ज्यादा है स्कोर यहाँ पे, लेकिन अदर देन दैट ये CC का स्कोर ज्यादा है, बाकी कम है। AC डोमिनेंट में, अफेक्टिव कमिटमेंट में, AC का स्कोर अगर हम फुल्ली कमिटमेंट को छोड़ दें तो ये काफी ज्यादा है बाकियों से। अनकमिटेड इसके अंदर अगर आप चेक करें तो कहीं है ही नहीं किसी में भी, और मॉडरेट कमिटेड इसका मॉडरेट स्कोर है। तो ये आप अपने हिसाब से इनके नाम देते हैं क्लासेस के। इसके बाद एक टेबल अनोवा की दी जाती है जो इन्होंने मिक्स इसी में मर्ज कर दी है, ये आप F दे दीजिए। और तीसरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जो इन्होंने शायद नहीं दिया है। तो एक फिटनेस की टेबल, एक मीन की टेबल, साथ अनोवा भी, और उसके बाद एक चार्ट, ये चीज़ रिपोर्ट की जाती है LPA के अंदर। बहुत ही छोटी और मज़ेदार सी टेक्निक है LPA, आप चेक कर सकते हैं ये पेपर, या और भी पेपर जो आपको गूगल स्कॉलर के ऊपर मिल जाएंगे, लेटेंट प्रोफाइल एनालिसिस। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।